खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मॉनसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। वही सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्त्रियों को निर्देशित किया गया है। अब आशा कार्यकर्त्रियों ने 1,63,000 से अधिक घरों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक 1,378 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। उससे पूर्व भी मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएँ तथा 25 आशा फैसिलिटेटर इसमें कार्य कर रही हैं, जो लोगों के घरों में जा जा के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तक का फॉगिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भी हमारी ये 3 बैठक इसमें हो चुकी हैं। उनके द्वारा भी सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उन संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करते हुए पानी को इकट्ठा ना होने की कार्रवाई करेंगे। जो हमारी आशाएं बहन घर घर जा रही हैं, तो उसमें अभी तक हमने 1 जुलाई से ये अभियान शुरू किया था, तो अभी करीब करीब 1,63,000 के आसपास हमारी आशाओं के द्वारा लोगों के घरों का भ्रमण कर लिया गया है। इसमें 1,378 जगह हमें ऐसे कंटेनर और बर्तन मिले थे जिसमें डेंगू का लार्वा पाया गया था, जिसको कि नष्ट कर दिया गया है। तो लोगों को जागरूक किया गया है कि वो बराबर इसकी निगरानी करते रहें कि घर में जहाँ भी पुरान अपने कूलर की टंकियाँ हों या छतों पर रखे हुए बर्तन या और पुराना सामान है या पानी इकट्ठा होने की संभावना है तो उसको अपने नष्ट करते रहे। तो आपके माध्यम से मेरी ये देहरादून की समस्त नागरिकों से ये अपील भी रहेगी कि हफ्ते में एक बार भी 10 मिनट यदि अपने घर में या घर के आसपास जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो उसको एक बार पानी को फैलाते रहेंगे, तो डेंगू जैसी बीमारी से अपने आप को बचाव करें।